राष्ट्रपति की 13 और 14 मई को प्रस्तावित जयपुर यात्रा की तैयारियों के संबंध में गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ महाजन ने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए राष्ट्रपति की यात्रा से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण जिम्मेदारी से समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल ने अधिकारियों को प्रोटोकॉल के अनुसार अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए सभी ड्यूटी पॉइंट्स पर निर्धारित समय से पूर्व रिपोर्ट करने के निर्देश दिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपति की यात्रा के संबंध में एयरपोर्ट और बिड़ला ऑडिटोरियम सहित अन्य स्थानों पर व्यवस्थाओं के संबंध में 12 मई को रिहर्सल की जाएगी। बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, उद्यान अधीक्षक राम निवास बाग, नगर निगम, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा विभाग, अधीक्षक सवाई मान सिंह चिकित्सालय, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वितीय, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भारत संचार निगम लिमिटेड और मुख्य अग्निशमन अधिकारी सहित सभी को व्यवस्थाएं संभालने के निर्देश दिए गए।